कैनवस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कमाल तो सब लोग देख रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को टेक्निक से नहीं, भावनाओं से भरे उस दिल से ज्यादा मतलब है जो किसी तस्वीर को बनाने वाले के पास होता है, विच इज AI। A Kuwaiti media guru is using a virtual news announcer that looks and acts like a real person. Website Kuwait News presented Feta online recently. Feta was created with artificial intelligence. आप उससे हाथ मिला चुके हैं, आप उसे गृह प्रवेश भी कर चुके हैं। जानते हैं कौन? उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स AI। एक ऐसी तकनीक जिसकी मौजूदगी दखल और अकल सोच के रफ्तार से भी ज्यादा तेज बढ़ रही है। कुछ वक्त लगेगा AI आपके साथ चलने लगेगी, फिर आपको पीछे छोड़ देगी। फिलहाल कोई इसे प्रेम पत्र लिखवा रहा है, कोई इसे रिसर्च कर रहा है। फिलहाल हम AI के बारे में जो भी सुन और पढ़ रहे हैं ये इस तकनीक की लड़खड़ाहट भर है। अभी इसका सटीक तरीके से काम करना बाकी है। ये सटीकता किसी अद्भुत आविष्कार के रूप में भी सामने आ सकती है और किसी भयानक हथियार की शक्ल में भी। कहाँ कहाँ है AI? चर्चित ChatGPT, मैप नेविगेशन, सोशल मीडिया, ई पेमेंट्स, फेस रिकॉग्निशन, ऑटो करेक्ट, सर्च इंजन में आए सजेशंस, इन सब जगह पे AI का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। कर्मचारी की भर्ती के फैसले में भी इसका उपयोग हो रहा है। कस्टमर सर्विस, हेल्थ सेक्टर, ई कॉमर्स, डेटा एनालिसिस जैसे कई क्षेत्रों में इसका उपयोग हो रहा है। दिनों दिन बढ़ रही AI की गति। 2021 के सर्वे की माने तो 73% लोग AI का किसी न किसी रूप में उपयोग कर रहे हैं, चाहे होम डिवाइसेस हो या फिर हेल्थ सेक्टर, कला, संगीत, इन सब में भी AI का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। डिट्टो म्यूजिक के एक सर्वे के अनुसार 60% संगीतकार अपने संगीत में AI का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हाल ही में बनाए AI द्वारा भगवान राम का चेहरा भी इसकी एक मिसाल है। इसकी यही तेजी और चतुराई लोगों में AI एंजाइटी का कारण बन रही है। इन दिनों इससे जुड़ी कुछ हैरान कर देने वाली खबरें आई हैं। जैसे चीन में 24 वर्षीय वू नाम के शख्स ने AI की मदद से उसकी दिवंगत दादी का ना ही सिर्फ अवतार बनाया बल्कि उससे बातें भी करने लगा है। वहीं बेल्जियम का एक शख्स AI से लैस चैटबॉट एलिजा से ग्लोबल वार्मिंग पर 6 दिनों तक बात करने के बाद इतना निराश हो गया कि उसने आत्महत्या कर ली। कुछ एक साल पहले AI डिंग द्वारा एक यूजर को धमकी मिली थी। यस, AI द्वारा धमकी दी गई थी कि यूजर की वो निजी जानकारी उजागर कर देगी और उसका करियर बर्बाद कर देगी। एक अन्य घटना में अमेरिका के कुछ लोगों ने AI की मदद से एक लड़की की आवाज की क्लोनिंग की और उसके अपहरण की झूठी कहानी बना के फिरौती मांगी। AI के कारण रोजगार छीन जाने से इधर के कुछ ऐसे मामले हैं जिससे AI एक ऐसा हथियार लगती है जो अगर गलत हाथों में आई तो दुनिया विकृत होने में देर नहीं लगेगी। अगर अब AI इतना सब कुछ कर रहा है तो इस पे हम लोगों को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी लाने पड़ेंगे। जैसे हाल ही में इटली ने ChatGPT पे बैन लगा दिया। यह पहला यूरोपियन देश है जिसने ऐसा कदम उठाया है। रूस, चीन, ईरान, उत्तर कोरिया और सीरिया में भी यह बैन है, हालांकि इन देशों की वजह राजनीतिक है। इसी तरह इटली की तरह और भी यूरोपियन देश इसको नियंत्रित करने के लिए विचार कर रहे हैं। अगला पड़ाव है AGI, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। हालांकि अभी AI इतने डेवलप नहीं हुआ है, हालांकि विशेषज्ञों द्वारा एक घड़ा ये भी कहता है कि धीरे धीरे ये AGI यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस का रूप ले लेगी और एक सुपर ह्यूमन खड़ा हो जाएगा, यानी अपने फैसले खुद लेने वाली, जिद करने वाली, महसूस करने वाली मशीन तैयार हो जाएगी। जैसे कि आपने रजनीकांत की फिल्म रोबोट में देखा होगा। हालांकि आपको यह जानकर खुशी होगी कि अब हम लोग AI की मदद से जानवरों की भाषा को भी डिकोड कर पा रहे हैं। AI कैसे बनती है खतरा? 3 पॉइंट्स हैं। पहला है डीप फेक। यह AI का एक ऐसा एल्गोरिथम है जो वास्तविक दिखने वाली फुटेज में लोगों की उपस्थिति और आवाज में बदलाव कर सकता है। इसका इस्तेमाल फर्जी खबरें बनाने में किया जा सकता है। नंबर 2, साइबर क्राइम। हैकिंग, वित्तीय धोखाधड़ी करने, देश की सुरक्षा पे हमला करने के साथ आतंकवाद को भी बढ़ावा देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। 3, गोपनीयता। AI की मदद से कंपनियां या सरकारें सोशल मीडिया पे आपके डाटा का उपयोग आसानी से कर सकती हैं। अब कुछ और बातें जो आपको जानना चाहिए। एक रिसर्च के मुताबिक 3 में से 1 लोग का मानना है कि AI हम लोगों के लिए खतरा बन सकता है, तो इसलिए आपको यह 3 बातें और पता होनी चाहिए। AI के बारे में खुद को शिक्षित करें। AI के बारे में जो ऑफिशियल न्यूज आती है बस उसी पे भरोसा करें। जो WhatsApp पे कहीं और पे आती है उस पे बिल्कुल ना करें। और 3, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें आप AI के सकारात्मक, जो उसके पॉजिटिव पॉइंट्स है, उस पे ज़्यादा ध्यान दें, ना कि उसके नेगेटिव पॉइंट्स पे, जिससे आप AI का इस्तेमाल अपने कामों में कर सकते हैं। सो गाइस, यही था AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो धीरे धीरे सोच पर हावी हो रही है। आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करिएगा। बाकी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। जय हिंद।